हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ विनय पांडे। हायर एजुकेशन की रियल एनालिसिस की आज की नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको पता है, जैसे कि हम पहले से ही इस इन्फाइनाइट सीरीज़ टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज भी इन्फाइनाइट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आया हूँ। पुराने वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनके लिंक से पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा कन्वर्जेंस ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखेंगे कि वो सीरीज़ कब कन्वर्ज होगी, कब डाइवर्ज होगी। अब मैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पर डिटेल पर यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होती है। तो ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होने जा रही है क्योंकि ये जो थ्योरम मैं आज इसका प्रूफ कराने जा रहा हूँ, आगे के थ्योरम्स में, और जैसे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इस थ्योरम का हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे कि अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो किस केस में वो कन्वर्ज होगा आपको याद रखना पड़ेगा, और डाइवर्ज कब होगा वो भी याद रखना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ भी आता है एग्ज़ाम में, और ये स्टेटमेंट काफ़ी यूज़ होगा, तो इसको आप याद भी कर लें, स्टेटमेंट को भी याद कर लें, क्योंकि आगे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द पॉजिटिव टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन कन्वर्जेज फॉर आर लेस देन 1 एंड डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि आर को हम क्या बोलते थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, आर इज़ अ कॉमन रेशियो। तो ये कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है तो निगेटिव तो आएगा नहीं वैसे भी है, तो 0 और 1 के बीच में अगर है तो उस केस में ये कन्वर्जेंट होगी सीरीज़, आपको याद रखना है इसको। और डाइवर्जेंट होगी कब, जब आर की वैल्यू 1 के इक्वल है, उससे बड़ी होगी, तो उस केस में ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ आएगी इट विल बी डाइवर्जेंट सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ फर्स्ट केस हम मान लेते हैं, केस 1, व्हेन आर, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है उसके इक्वल, लेस देन क्या होगा 1। पहला केस हम ये मान के चल रहे हैं। इस केस में इसको कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। कोई भी सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसका जो लिमिट है उस लिमिट एस एन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की वो टेंड होता है तो इसका जो सम होता है वो एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती है तो उस केस में हमने उसको कन्वर्जेंट बोला था। तो ये यहाँ पर प्रूफ भी करना है हमको। तो लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स। सो दैट ये जो सीरीज आपको दी है इसको एस एन हमने मान लिया है, तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा इसका, 1, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब सोचिए इसका nth टर्म क्या आएगा, ए पी के nth टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस 1, ए 1 है, r की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, तो ये sn की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए n टर्म्स का सम का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है a माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला प्रीवियस 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आप देखिए इस, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, और पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है तो सारे टर्म्स ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होंगे, और r की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में, यानी कि 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी वैल्यू अगर आप 1 से माइनस करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स अगर आपको ये पता है कि आपके पास लास्ट में एक a माइनस बी टर्म आ रहा है, और आपको पता है कि a जो है बी जो है पॉजिटिव है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो ये टर्म जो है हमेशा किससे छोटा आएगा, ए से, क्योंकि आप ए से उसको माइनस कर रहे हो तो ए से छोटा ऑब्वियसली बन जाएगा वो। तो इस टर्म से इसको अगर आप माइनस कर रहे हो तो ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू ए होगा ऑब्वियस है। तो ये इससे अगर आप इसको माइनस कर रहे हो तो इससे ये छोटा ही आएगा या इक्वल आ सकता है फॉर ऑल एन। अब आप देखिए ये जो सीरीज़ है इसके एन टर्म्स का जो सम है, एन टर्म्स का सम क्या आ रहा है,
वो 1 माइनस 1/(1-r) आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ से डायरेक्टली बोलूँ आपसे कि मैंने आपको कन्वर्जेंट में बताया था कि किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए पहले आपको एन टर्म्स का सम निकालना है और एन की वैल्यू इन्फिनिटी अप्लाई कर देनी है। नाउ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन अगर हम निकालेंगे इस केस में तो क्या आएगा, लिमिट आप देखिए ये जो सम है एन टर्म्स का जो सम है वो इस वैल्यू से छोटा आ रहा है, या आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये जो टर्म आएगा ये फाइनाइट आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हो क्या, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो इसको आप काट दीजिए, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस केस में देयरफॉर एस एन इज बाउंडेड ये भी लिख सकते हैं, क्यों एज एस एन जो है एस एन हमने निकाला तो वो 1 माइनस 1/(1-r) से छोटा आ रहा है। देखिए आप ये एस एन, और छोटा बड़ा किससे होगा, क्योंकि पहला टर्म 1 है और 1 में सारी सीरीज ऐड हो रही है, तो एस एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप देखिए ये एस एन जो है बाउंडेड है, जो हमारे पास ये सीक्वेंस है ये कैसा सीक्वेंस आ गया, बाउंडेड। अब आप याद करिए जो सीक्वेंसेस मैंने पूरी सीरीज आपको कराई थी, सीक्वेंसेस की जो सीक्वेंसेस मैंने चैप्टर आपको कराया था उसमें हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होता है, अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो कन्वर्जेंट होता है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आप ये ना लिखना चाहें, ये स्टेप ना लिखना चाहें, तो इसको हटा करके डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि ये बाउंडेड है, और अगर ये बाउंडेड है तो देयरफॉर हेंस द सीरीज कन्वर्जेस, इसका मतलब ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये पहला केस हो गया जब आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कन्वर्जेंट है, क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड आ रहा है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड होता है तो आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि ये सीक्वेंस बाउंडेड आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली इसके लिमिट भी निकालते हैं तो लिमिट जो है एस एन की वैल्यू अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में हम निकालेंगे तो वो इससे छोटी ही आएगी, क्योंकि एन टर्म्स का सम इससे छोटा आ रहा है, तो अपने आप ही फाइनाइट हो जाएगा, और फाइनाइट होगा तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगा। उसको आप उस तरीके से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आप लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहें तो। अगर आप लिमिट के फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हमको ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड मिल रहा है, एंड एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर द गिवन सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन आर इज लेस देन 1। तो पहला केस ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब आते हैं सेकेंड केस में, देखिए सेकेंड केस, इस केस में आपको क्या प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंट सीरीज होगी, कब, केस 2। हालांकि तीन केसेस हमारे बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक तो केस हमने ले लिया आर लेस देन 1, एक हम ले लेते हैं जब आर जो है 1 के इक्वल है। तो इस केस में देन अगर हम एस एन की बात करें तो सारे टर्म क्या हो गए, फिर 1 हो गए, 1 + 1 + 1 कितनी बार हो जाएगा, एन टाइम्स। तो एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब अगर हम इसमें लिमिट लगाएं तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन लगाएं तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली प्लस का इन्फिनिटी। और किसी भी ये प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि एस एन में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में अगर ये इन्फिनिटी आता है तो उस केस में ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। द गिवन सीरीज कन्वर्जेस, सॉरी डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, सेकेंड केस। एंड द थर्ड केस इज केस 3। केस 3 में हमको क्या लेना है, आर ग्रेटर देन 1। देन अब इस केस को देखिए ध्यान से, इस केस में भी हमको इसको डाइवर्जेंट प्रूफ करना है। इस केस में अगर आर 1 से बड़ा है देन एवरी टर्म ऑफ एस एन आफ्टर द फर्स्ट इज ग्रेटर देन 1। इसको ध्यान से समझिए आप, क्योंकि जो सीरीज़ है इसको मैं यहाँ पर अलग से रफ में अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जो सीरीज़ आपको दी है
वो सीरीज़ है 1 + r + r² एंड सो ऑन। फिलहाल हम एन टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं, इसको आपको इसके प्रूफ में लिखने की जरूरत नहीं, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 + r + r² एंड सो ऑन, और हर एक टर्म क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म भी 1 से बड़ा होगा, ये वाला टर्म 1 से बड़ा होगा, ये टर्म भी 1 से बड़ा होगा, हर एक टर्म इसका 1 से बड़ा है। तो आप ये देखिए, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं पहले वाले आर की जगह पे 1 रख दूं, आप ध्यान से समझिए कि आर जो है 1 से बड़ा है, तो मैं अगर आर की जगह पे 1 रखूंगा तो ये आर जो है 1 से बड़ा है, इसकी जगह पे 1 रख दिया, तो ये जो सम आएगा, ये सम और ये वाला सम, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा समझिए आप। ये वाला जो सम है ये है एस एन, और अगर मैं, क्योंकि आर 1 से बड़ा है, आर स्क्वायर भी 1 से बड़ा है, इनके सबके जगह पे 1 रखूंगा तो एन बनेगा, तो ये जो सम आएगा ये ऑब्वियस है कि ये एन से क्या आएगा, बड़ा आएगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि आर 1 से बड़ा है, आर स्क्वायर भी 1 से बड़ा है, तो इन सब का सम एन आ रहा है, और इन सब का सम क्या है, एस एन। तो इन दिस केस द सम एस एन विल बी ग्रेटर देन एन, ये क्लियर है। सो दैट एस एन इज ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एन, ये क्लियर हो गया यहाँ से। देयरफॉर द सीक्वेंस, देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, और क्योंकि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है ही नहीं, सीक्वेंस ही बाउंडेड नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जिसका हमने फर्स्ट केस में यूज़ भी किया। यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं आ रहा है, क्यों, किस क्यों बाउंडेड नहीं आ रहा है, अगर मैं इसके लिमिट लगाता हूँ, अगर इसमें एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लगाएं, तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी अगर लगाते हैं, दोनों साइड लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, मैं खाली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों साइड अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी से बड़ा आ जाएगा, कहने का मतलब इन्फिनिटी से बड़ेगा मतलब ही नहीं होता, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसका मतलब इस केस में, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड नहीं आ रहा है, बाउंडेड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एन से बड़ा आ रहा है, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो हमने देखा कि आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट होती है सीरीज, कौन सी सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, और आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, उसके इक्वल है, तो ये डाइवर्जेंट होती है, कब, जब हम ज्योमेट्रिकल सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आगे के लिए, जो नेक्स्ट थ्योरम मैं कराऊंगा, वो नेक्स्ट थ्योरम है सिग्मा 1/NP, ये वाली सीरीज़ का जब हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी थ्योरम्स जो है न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी, तो जब हम इसका प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उस प्रूफ में भी हम इसका यूज़ करेंगे, तो इसको आप ध्यान से समझिए, और ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसका लेकर के आऊँगा।